कबीर कुत्ता राम का। मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेवड़ी, जित खैचे तित आऊं। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूं, अर्थात मैं तो राम का भगत हूं, और मोती मेरा नाम है। मेरे गले में राम नाम की जंजीर है, जिधर वह ले जाते हैं उधर ही चला जाता हूं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाना। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि यह शरीर विष से भरा हुआ है, गुरु अमृत की खान है, यदि आपको अपना सर अर्पण करके भी सच्चा गुरु मिलता है तो भी यह सौदा बहुत सस्ता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं होती है, साधु का ज्ञान ही उसका मूल्य, उसकी पहचान होती है, इसलिए साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए बल्कि साधु का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का, उसी प्रकार शरीर का नहीं उसमें पर्याप्त ज्ञान का मूल्य होता है, जो परिश्रम और साधना से ही मिल पाता है, इसलिए साधु के जात पात की नहीं उसके ज्ञान की पूजा करनी चाहिए। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे और स्वस्थ होगे, अपने घर पे सर्दी का मज़ा ले रहे होगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होगे। तो अभी सुबह का टाइम है और मैंने खाना बना लिया है, मतलब लंच बना लिया, उसके बाद बना रही हूँ अपने लिए चीला मूँग की दाल का। ये साबुत मूँग की दाल का चीला है और ये 3 से 4 दिन हो गए थे फुलाए हुए। मैं रोज़ सोचती थी आज बनाऊंगी, लेकिन बना नहीं पा रही थी। मैंने सोचा चलो आज बना ही देती हूँ, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे, फ्रीज में रखे हुए थे। तो बस चीला बना लिया, सॉस के साथ खा लिया एंड उसके बाद फिर डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आप लोगों से इवनिंग के टाइम। तो इवनिंग में मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, तो चाय चढ़ा दी, उसमें डाल रही हूँ मैं लौंग, इलायची, काली मिर्च और अदरक। इसको अच्छे से कूट लेंगे और डाल देंगे। और मसाला वाला, सर्दी में मसाला वाला चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, और एक एक सिप करके चाय पियो ना गरम गरम, आहा मज़ा ही आ जाता है। तो बस यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने सारे अदरक, लौंग, इलायची और काली मिर्च। उसके बाद डाल दिया है दूध और इसको अच्छे से उबाल लेंगे। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने चाय रेडी हो चुकी है, मैंने चाय को छान लिया है। और आज ही आप लोग भी चाय का नाश्ता कर, चाय और रस का नाश्ता करते हैं। तो आज ब्रेड ख़त्म हो गई थी तो ब्रेड नहीं मंगाया था, तो नेक्स्ट डे मंगा लेंगे। और यहाँ पे रियांश भी चल रहा है और चलिए पीते हैं। बोलो बोलो पापा को, बोलो जल्दी। तो यहाँ पे मेरे पास 2 दिन की 2 किलो दूध रह गया था बॉईल करना, क्योंकि एक दिन रियांश नहीं पिया तो दूध काफ़ी सारा बच गया था। तो बस यहाँ पे 2 किलो दूध में अब यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिया है। और देख सकते हो पतीला पूरा ऊपर तक भर चुका है। उसके बाद हस्बैंड से मंगवाया था धनिया, क्योंकि मुझे बनाना था आलू का पराठा। तो फिर मैं यहाँ पे धनिया को छाट लेती हूँ, क्योंकि अभी ताज़ा है तो छाट लोगे ना तो इसमें कि जो भी थोड़े बहुत गंदे, मतलब गले सड़े होंगे वो निकल जाएंगे, लेकिन निकला नहीं था ज़्यादा, बस थोड़े बहुत थे डंडल डंडल। तो वो फिर अभी के धनिया में थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी आने लग गई है, तो बस उसी को अच्छे से वॉश करके फिर मैं डब्बे में पैक करके रख दूँगी। और यहाँ पे डिनर में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, दिन की रोटी रखी हुई थी तो हस्बैंड के लिए भुर्जी बना दी अंडे की, और मैं एक लेफ़्ट ओवर राइस और दाल है तो वो मैं गरम करके अंडे के ऑमलेट के साथ खा लूँगी। तो फिर मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि फिर अगर ये मैं कुछ अलग डिनर में बनाती तो वो बच जाता और फिर वो हो नहीं पाता। और रियांश को भी मैं अंडे की भुज्जी दे दूँगी, वो खा लेगा और बस दूध पी लेगा थोड़ा सा। तो यही था आज का डिनर। उसके बाद फिर डिनर विनर तैयार करा, यहाँ पर देख सकते हो मैंने दाल और चावल को भी गरम करने के लिए रख दूँगी ऑमलेट जैसे मेरा बन जाएगा। तो मेरा भी ऑमलेट बन चुका है, दाल चावल गरम कर रही हूँ। एंड उसके बाद काफ़ी सारा रूटीन तो मेरा ऐसा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, अगर मैं शेयर करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो भी शेयर करूँगी, जैसे रियांश की मस्तियाँ, मीशू के साथ पूरा दिन कैसा जाता है मेरा, पूरा फुल डे रूटीन।
और नाइट में भी रूटीन मेरा कैसा होता है वो भी शेयर कर दूँगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। तो यहाँ पे बस खाना पीना हो चुका है और जो मैंने जैकेट पहन रखा था ना उससे मेरे बर्तन नहीं धुल रहे थे, मतलब गीला ही हो रहा था, वो ऊपर नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसको खोल दिया है। और सच बताओ तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना इसको खोलने के बाद, ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था किसी बर्फ़ वाली जगह पर आ गई हो, और फील हो रहा था फटाफट से बर्तन मन जाए और जैकेट पहने या फिर बिस्तर में जा घुस जाए, फिर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो उसके बाद बर्तन वॉश कर लिया और फिर यहाँ पे मैंने पूरा गैस चूल्हा साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया। फिर साफ़ करने के बाद काउंटर टॉप भी मैंने क्लीन कर दिया, जो भी पहले सूखा सूखा कूड़ा उठा दिया है साफ़ कर दिया मैंने पोने से, एंड उसके बाद फिर पानी डाल के अच्छे से क्लीन कर दिया है। वीडियो पसंद है लाइक जरूर।